एन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 66वीं फिल्म फेयर अवार्ड 2021 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 66वीं फिल्म फेयर अवार्ड 2021-2020 की फिल्मों और कलाकारों को सम्मानित करने के लिए दिए गए हैं। इनकी शुरुआत या कहें तो प्रथम बार इनसे 1954 में फिल्मों और कलाकारों को सम्मानित किया गया था। सिनेमा क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए अवार्ड दिए जाते हैं, यह याद रखिएगा। और 2021 में जो 66वें फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते हैं थप्पड़ फिल्म ने, लगभग 7 अवार्ड, और उसके बाद जीते हैं गुलाबो सिताबू ने 6 अवार्ड। अब देखते हैं यह अवार्ड किसे प्रदान किए गए हैं। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड यह थप्पड़ को दिया गया है, इसकी जो एक्टर थी तापसी पन्नू। और बेस्ट एक्टर मेल का जो अवार्ड है वो दिया गया है इरफान खान को मरणोपरांत। इनकी फिल्म थी अंग्रेजी मीडियम के जो एक्टर थे इरफान खान। और जो बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड है वो दिया गया है तापसी पन्नू को थप्पड़ फिल्म के लिए। बेस्ट म्यूजिक एल्बम यह दिया गया है प्रीतम को लूडो मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है ओम रावत को तानाजी मूवी के लिए। बेस्ट लिरिक्स का जो अवार्ड है वो दिया गया है गुलजार को छपाक मूवी के लिए। और फिल्म फेयर अवार्ड में जो शॉर्ट फिल्म का अवार्ड है वो दिया गया है फिल्म अर्जुन को।